हेलो एवरीवन ग्रेट ऑनलाइन अकेडमी पे आपका स्वागत है मेरा नाम है रविंद्र आज मैं आपके लिए लेके आऊँ हिस्ट्री के टॉप एमसीक्यूज का पार्ट वन तो चलिए गाइस करते हैं हमारे वीडियो को स्टार्ट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुँचती रहे तो चलिए लेते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन लॉर्ड विलियम बेंटिंग वाज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द पीरियड सो द आंसर इज़ सी 1828 टू 1835 अगर बात करें लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में सो द विलियम बेंटिक वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम 1828 टू 1835 He passed the Sati Prohibition Act in 1829, Elimination of Thuggee Act in 1830 and Charter Act 1833 was passed by the British Parliament during his rule. He introduced English as the language of instruction and language of higher studies in India on the recommendations of Thomas Babington Macaulay. अगर बात करें इसका मतलब तो विलियम बैंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ये पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे इन्होंने सती प्रथा को बैन किया था ठगी को बैन किया था चार्टर एक्ट 1833 ब्रिटिश पार्लियामेंट में इन्हीं के रूल के समय पास हुआ था जब इनका इंडिया में रूल था इन्होंने मैकुले के रिकमेंडेशंस पे इंग्लिश को लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाया मतलब कोई भी संबोधन अब हमको इंग्लिश में देना है और हायर स्टडीज़ भी इंग्लिश में ही होंगी तो चलिए गाइस मुझे उम्मीद है आपने इसको समझ लिया होगा चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इन 1866 दादा भाई नरोजी हैड फाउंडेड ईस्ट इंडियन एसोसिएशन इन विच सिटी सो देखते हैं इसका आंसर सो द आंसर इज लंदन दादा भाई नरोजी हैज़ फाउंडेड द ईस्ट इंडियन एसोसिएशन इन लंदन चलिए देखें अगर इसके फैक्ट्स के बारे में तो ईस्ट इंडियन एसोसिएशन वाज फाउंड इन लंदन फॉर प्रेजेंटिंग The correct information about India to the British people. Voice Indian grievances in a British press for freedom struggle. Dada Bhai Nerozi is also known as the Grand Old Man of India. Unofficial Ambassador of India. He was the President of INC Indian National Congress in 1886. मीन्स सेकेंड प्रेसिडेंट एंड नाइनटीन जीरो सिक्स इन विच द स्वदेशी बिल वाज पास्ड। अगर बात करें इसके मतलब की तो ईस्ट इंडियन एसोसिएशन को बनाने का मकसद था कि जो ब्रिटिश पीपल हैं उनको इंडिया की करेक्ट इंफॉर्मेशन दी जा सके और हमारे भारत की जो भी मांगे हैं ब्रिटिशर्स के साथ हम जो भी चाहते हैं वो हम ब्रिटिश प्रेस में बता सकें ताकि वहाँ के लोगों को भी पता चले कि वाट इंडियन वांट्स फ्रॉम ब्रिटिशर्स दादा भाई नरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है क्योंकि इन्होंने कई सारे काम किए हैं इन्होंने फर्स्ट नेशनल इनकम का डाटा भी प्रिपेयर किया था प्लस इन्होंने एक बुक भी लिखी है पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया जो कि बहुत ही फेमस बुक है इनको अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया भी कहते थे क्योंकि ये लंदन में एक मात्र ऐसे इंसान थे जो लंदन के पार्लियामेंट के मेंबर थे मींस ब्रिटिश पार्लियामेंट जो था उसका मेंबर ओनली द फर्स्ट इंडियन पहले भारतीय जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर थे तो चलिए गाइस चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज in which of the following sessions did indian national congress split into moderate party and extremist party so the answer is surat session agar baat kare surat session ki. so in surat session 1907 inc split into moderates and extremists ऑन द डिफ्रेंसेस ऑन द नेचर ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, लीडर ऑफ मॉडरेट्स आर गोपाल कृष्ण गोखले सो द लीडर ऑफ मॉडरेट्स पीपल इज गोपाल कृष्ण गोखले लीडर ऑफ एक्स्ट्रीमिस्ट आर लाला लाजपत राय बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्रपाल इनको शॉर्ट में लाल बाल पाल भी कहते हैं अगर बात करें इसके पूरे मतलब की तो जो सूरज सेशन 1907 का था उसमें आई में दो ग्रुप बने नरम दल और गरम दल जिसका रीज़न ये था कि 1906 में जो स्वदेशी बिल पास हुआ था उसका नेचर कैसा होगा आगे वो नरम तरीके से करना है या गरम तरीके से करना है ब्रिटिशर्स से बात वो उस मुद्दे पे दो ग्रुप बने थे जिसके वजह से ये बंटवारा हुआ था अगर बात करें अगले क्वेश्चन की सो हु वॉज मेनली वर्सिप्ड इन द ऋग्वेदिक पीरियड ऋग्वेदिक पीरियड में किसकी पूजा की जाती थी सो द आंसर इज इंद्र ऋग्वेदिक पीरियड में इंद्र की पूजा की जाती थी वैदिक पीरियड के दो पार्ट हैं द फर्स्ट इज रिग वैदिक पीरियड एंड द सेकेंड इज लेटर वैदिक पीरियड अगर हम बात करें इसके फैक्ट्स की सो इन वैदिक पीरियड लॉर्ड इंद्रवास वर्सिप्ट इन लेटर वैदिक पीरियड लॉर्ड प्रजापतिवास वर्सिप्ट अगर बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन में तो इन मोहन जोदैडो लॉर्ड सिवाइज वर्सिप्ट इन हड़प्पा सिविलाइजेशन लॉर्ड पशुपति एंड अर्थ गॉडेस वॉज वर्सिप्ड सो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हु रिगार्डेड एज द ग्रेट लॉ गिवर ऑफ एंशेंट इंडिया प्राचीन भारत का मुख्य कानूनी निर्माता कौन था सो so, अगर बात करें आंसर की तो द आंसर इज मनु मनु इज द ग्रेट लॉगिवर ऑफ एंसेंट इंडिया अगर बात करें इसके फैक्ट्स की सो मनु रोट मनु स्मृति विच इज़ एंशंट लीगल टेक्स्ट ऑफ हिंदुज़म इट इज़ ट्रांसलेटेड इन टू इंग्लिश इन सेवनटीन सेवेंटी सिक्स बाई सर विलियम जोन्स मनु ने जो बुक लिखी है वो मनुस्मृति है एंसेंट लीगल टेक्स्ट ऑफ हिंदुज़्म इसको माना जाता है इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट सर विलियम जोन्स ने किया था क्योंकि जब ब्रिटिशर्स को हिंदू के रूल्स जानने होते थे तो वो इस बुक को रेफ़र करते थे इसलिए बुक बहुत ही यूज़फुल हो जाती है अगर बात करें नेक्स्ट पॉइंट की तो पाणिनी रोड अष्टाध्याय बुक और ये जो अष्टाध्याय बुक है ये एक संस्कृत ग्रामर बुक है मैं इसमें संस्कृत की पूरी ग्रामर दी हुई है और ये संस्कृत ग्रामर की बहुत ही फेमस बुक है सो so, ऋषि पारिणी ने इसको लिखा था सो so, पारिणी वास इन द so, ऑप्शन सो इसको भी हमने फैक्ट्स में ले लिया है और कौटिल्य रोट अर्थशास्त्र अ बुक ऑफ स्टेट क्राफ्ट इकोनॉमिक पॉलिसी एंड मिलिट्री स्ट्रेटजी इन रिटन इन संस्कृत ये जो बुक है ये स्टेट क्राफ्ट हमारी जो रणनीति है जो हमारी पॉलिटिकल नीति है जो हमारी आर्थिक नीति है और जो हमारी सैन्य नीति है ये तीनों किसी भी राज्य के लिए कैसी होनी चाहिए ये कौटिल्य की अर्थशास्त्र बुक में लिखा है अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू विच किंग बिलोंग्स द लाइन कैपिटल एट सारनाथ सारनाथ में जो सिंह राजधानी है वो किस किंग से बिलोंग करती है सो द आंसर इज अशोक द लाइन कैपिटल एट सारनाथ बिलोंग टू अशोक अगर बात करें इसके फैक्ट्स की तो द लाइन कैपिटल ऑफ द लाइंड कैपिटल ऑफ अशोक इज द स्कल्पचर ऑफ फोर एशियाटिक लैंड स्टैंडिंग बैक टू बैक ऑन एन एलेबरेट बेस दैट इंक्लूड्स अदर एनिमल्स मतलब जो अशोक का लाइन कैपिटल है सारनाथ में ये एक मूर्ति है जिसमें चार एशिएटिक लायन हैं, और ये जिस बेस पे खड़े हैं बैक टू बैक उसमें और भी एनिमल्स हैं उस बेस पे और भी एनिमल्स हैं इट मीन्स ये सिम्बोलाइज करता है कि लायन इज़ मोर पावरफुल देन ऑल द एनिमल्स इसीलिए वो उसके बेस पे खड़े हैं इस बेस पे कई एनिमल्स हैं जैसे लेफ़्ट और राइट में आपको बुल मिलेंगे हॉर्स मिलेंगे और बीच में अशोक चक्र भी है बेस में तो हमारा जो ये नेशनल एम्बलम है वो लायन कैपिटल से ही लिया गया है हमारे देश का नेशनल एम्बलम लैंड कैपिटल का ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है सो अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट वाज अडॉप्टेड एज द ऑफिशियल एम्बलम ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950। ओके okay, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे गौतम बुद्ध अटेंड निर्वाणा ऐट विच प्लेस गौतम बुद्ध को निर्वाणा किस स्थान पर प्राप्त हुआ था तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को द आंसर इज बोध गया अगर बात करें इसके फैक्ट्स की सो द वर्ल्ड निर्वाणा मीन्स इनलाइटमेंट और गेन ऑफ नॉलेज और मोक्ष बुद्धा अटेंड निर्वाणा ऐट महाबोधि टेम्पल ये जो महाबोधि टेम्पल है ये अशोक ने बनवाया है बाद में जहाँ पे गौतम बुद्ध को निर्वाणा अटेंड हुआ वहाँ पे महाबोधि टेम्पल अशोक ने बनवाया है बुद्धा अटेंड निर्वाणा एट अट महाबोधि टेम्पल अंडर बो ट्री जिसको बोधि ट्री भी बोलते हैं एट बोध गया बिहार एज पर बुद्धिस्ट टेक्स्ट गौतम बुद्धा प्रिंस सिद्धार्थ अटेंड इनलाइटमेंट एंड बिकम बुद्धा एट बोध गया एट द एज ऑफ थर्टी फाइव बुद्धिस्ट टेक्स के हिसाब से गौतम बुद्ध जो कि पहले प्रिंस सिद्धार्थ हुआ करते थे उनको जब थर्टी फाइव के एज में इनलाइटमेंट हुआ तो उनका नाम गौतम बुद्ध हो गया तो so, चलिए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हु हुज़ द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी गुप्ता डायनेस्टी जो हमारे देश की बहुत ही विकसित डायनेस्टी थी इसका फाउंडर कौन था सो द आंसर इज श्री गुप्त. श्री गुप्त वॉज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी अगर बात करें हमारे इस क्वेश्चन के फैक्ट की सो so द गुप्ता एम्पायर एग्जिस्टेड फ्रॉम द लेट थर्ड सेंचुरी टू तो 543 फोर्टी थ्री सी ई सी मतलब कॉमन एरा दिस पीरियड इज कंसिडर्ड एज द गोल्डन एज ऑफ इंडिया हमारे भारत का सबसे स्वर्णिम युग गुप्ता पीरियड को ही कहा जाता है जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जबरदस्त विकास हुआ था आर्यभट्ट जो कि सभी को पता है शून्य के रचिता वो गुप्ता पीरियड के ही मैथमेटिशियन थे कालीदास धनवंतरी आयुर्वेदिक धनवंतरी ये सारे लोग जो हैं जबरदस्त साइंस का विकास गुप्ता पीरियड में हुआ था इसीलिए इसको इंडिया का स्वर्णिम युग भी कहा जाता है द रूलिंग डायनेस्टी ऑफ द एम्प्रायर वॉज फाउंडेड बाई द किंग श्री गुप्त द मोस्ट नोटेबल रूलर ऑफ द डायनेस्टी वेर चंद्रगुप्त फर्स्ट समुद्र एंड चंद्रगुप्त टू चंद्रगुप्त टू को विक्रमादित्य भी बोलते थे आप मैप में देख सकते हैं कि गुप्ता पीरियड का टेरिटरी कितना बड़ा था और पूरे नॉर्थ इंडिया को कवर कर लिया था इन लोगों ने मुझे नहीं लगता है नॉर्थ इंडिया में कोई भी पार्ट गुप्ता पीरियड ने कवर नहीं किया था तो चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज चंद्रगुप्त मौर्य स्पेंड हिस इस लास्ट डेज एट चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने आखिरी दिन कहाँ पे बिताए थे सो द आंसर इज श्रावन बेला गोला सो so श्रावण बेला गोला की अगर बात करें ड्यूरिंग द दे लास्ट डेज चंद्रगुप्त एक्सेप्टेड जैनिज्म एंड स्पेंड हिस लास्ट डेज एट श्रावन बेला गोला विद भद्र बाहू आचार्य भद्र बाहू एंड चंद्रगुप्त मौर्य आर बिलीव टू बी मेडिटेटेड हियर अगर बात करें श्रावण बेला गोला कहाँ पे है तो श्रावण बेला गोला इज अ टाउन इन इंडियन स्टेट ऑफ कर्नाटका अगर आप श्रावण बेला गोला में देखेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे स्क्रिप्चर्स मिले हैं जैनिज्म के बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस है ये जैनिज्म का तो so आप लोग अगर कर्नाटका जाएंगे तो आप लोग श्रावण बेला गोला जाके एक बार ज़रूर देखेगा सो so चलिए गाइस चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नेशनल कैलेंडर बेस्ड ऑन साका एरा बैगन ऑन जो नेशनल कैलेंडर है जो साका एरा पे बेस्ड है उसकी शुरुआत कब से होती है सो द आंसर इज़ एडी सेवेंटी एट अगर बात करें इस क्वेश्चन के फैक्ट की इंडियन नेशनल कैलेंडर और हिंदू कैलेंडर सम टाइम्स कॉल्ड एज साका कैलेंडर सिंस कुशन किंग कनिष्क इज बिलीव टू हैव क्रिएटेड दैट कैलेंडर जो हमारे कुशन किंग थे कनिष्क उन्होंने ये कैलेंडर बनाया था जो शाका इराके थे इसीलिए इसको साका कैलेंडर बोलते हैं चैत्र इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ द कैलेंडर विच स्टार्ट ऑन द मार्च ट्वेंटी टू एंड फागुन इज द लास्ट मंथ ऑफ द कैलेंडर अगर बात करें फर्स्ट डे ऑफ द वीक की तो यहाँ पे फर्स्ट डे ऑफ द वीक होता है संडे, जो जनरली हमारे नॉर्मल कैलेंडर में या क्रिश्चियन कैलेंडर में मंडे होता है तो चलिए गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो साइनिंग ऑफ रविंद्र श्रीवास्तव मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद